टीएसएन न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। साबिक़ आईएएस एके गोयल के घर की तलाशी ली गई। शुबा है कि भारी रकम डब की गई है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 2023 के पेश नज़र अहकाम काफ़ी चौकस है। इंतखाबात के लिए काफ़ी कम वक्त है। इंतखाबात में पैसों की बहाव को रोकने के लिए वो कहीं से भी छोटी छोटी इतलात पर फौरी जवाब देकर तहकीकात कर रहे हैं। इस अहकाम में ऑफिसरान साबिक़ आईएएस एके गोयल के घर की तलाशी ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये तलाशी इन इल्ज़ाम के पस मंज़र में चलाई जा रही है कि इनके घर में बड़ी रकम डाली गई है। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद मनाज़र हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए टीएसएन न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। पार्टी फंड के बारे में पार्टी फंड तो लग रहा है क्योंकि इतने पैसे तो कोई और दूसरा तो नहीं लाएगा यहाँ पे। पैसे अगर है तो उसके ऊपर पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। कमिश्नर भी आना चाहिए, डीजीपी भी आना चाहिए, यहाँ पे आके देखना चाहिए और इनकम टैक्स ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन इसको स्ट्रिक लेना चाहिए। ये अकेली चीज यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे पूरा राउडीज्म भी हो रहा है और राउडीज्म लड़ाई भी हो रही और इनके जो गुंडे लोग हैं जो बाहर फिर रहे हैं प्रूफ से नहीं ले सकता। यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आके लोगों को हमारे कैडर में डरा रहे मार रहे, पीट रहे, फेक केसेस कर रहे और यहाँ के एसीपी जो है उनको भी मैं बोल रहा हूँ वो बराबर काम यहाँ पे एजेंट के वैसा काम कर रहे हैं उनके और उनके मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं सोचता हूँ उनके एमएलए साहब के रिलेटिव है तो उनको भी यहाँ से बिल्कुल चेंज करना चाहिए, हटाना चाहिए क्योंकि फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हमारे लोग को क्यों डरा रहे, डर के रहने की जरूरत है क्या? हम क्यों डरेंगे इनसे? अब कौन होता है? अब पुलिस का प्रोटेक्शन लेके आप डरा देगा ऐसा? कौन से एमएलए क्या कर रही है? बंद कर रहे हैं सब चीजें बंद करना चाहिए और ये पूरे राउडिज्म को बंद करिए। ये पुलिस का काम है, पुलिस बराबर काम करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुलिस काम नहीं कर रही, मैंने इससे सही और इससे अच्छा काम कर सकते, बिल्कुल काम करना चाहिए। और हमारे सपोर्टर्स के ऊपर आप आज लाठीचार्ज करें उसका भी आपको उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए क्यों नहीं? अगर फेर रहे तो फेर इंक्वायरी करिए। मैं बहुत फेर पर्सन हूँ और यहाँ पे रूल फॉलो करना चाहिए। अब रूल फॉलो कर रहे हैं इसलिए तो कोई गलत काम हुआ है बोलते आप लोग यहाँ पे आए हुए, नहीं तो क्यों आते आप लोग यहाँ पे बताइए? जो इतना प्रेस आके ठहरता है कुछ ना कुछ हो रहा है ना। और शर्म आना चाहिए क्या? जो आईएएस ऑफिसर रहते घर में, अगर उनके घर में ऐसा हो रहा है तो उनको कुछ शर्म आना चाहिए। यहाँ पे डंप करेंगे, डंप यार्ड थोड़ी है, डंप यार्ड करेंगे यहाँ पे।